वही ग्वालियर जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक सफाई दरोगा को 2000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महिला सफाई कर्मचारी काजल वाल्मीकि ने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी कि नगर निगम अधिकारी 4 दिन की छुट्टी के एवज में हाजिरी लगाने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। इसके तहत ही लोकायुक्त पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर केमिकल लगाकर 2000 रुपए लिए। बहरहाल लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सफाई दरोगा अनूप पारछे को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मतलब हमको 4 छुट्टी मिलती है, वो हमारी हकती है 4 छुट्टी। वो छुट्टी के लिए ये हमसे एक छुट्टी के 500 रुपये मांगते थे, 4 छुट्टी के 2000 रुपये। और हम अगर बोलते कि भाई साहब पैसे नहीं है तो मैं नागा लगा, बोलते तो नागा लगा दूंगा मैं, तो वो छुट्टी के पैसे मांगते थे हमसे 2000। क्या नाम था इसका, कौन था ये? ये है अनूप पारछे और अनिल पारछे। ये है WHO नगर निगम। हाँ, सफाई दरोगा। हाँ, आप क्या करती हो? हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई का काम करते हैं। हाँ, तो आज कैसे पकड़ा आया ये? आज वो उधर में कंप्लेन की थी मैडम, वहाँ पे कौन सा हुआ लोकायुक्त में मैंने शिकायत की थी और उन्होंने मुझे रिकॉर्डर दिया था, मैंने पैसों की बात रिकॉर्ड भी की थी, मैडम को दे दिया था, तो उन लोगों ने सुबह घेरा डाल के उनको पकड़ लिया। दिनांक 24/5/24 को फरियादिया काजल वाल्मीकि हमारे कार्यालय में आई थी और उसने रिपोर्ट की थी कि अनूप पारछे सफाई दरोगा मतलब WHO वार्ड नंबर 32 जोन नंबर 6 का, उससे छुट्टी के एवज में प्रति छुट्टी 500 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये की मांग कर रहा है, जिस पर हमने उसको रिकॉर्डर दिया था और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कराई थी, जिसमें उसके द्वारा 2000 रुपये मांगने की बात आने पर हमने उसके खिलाफ दिनांक 27/5/24 को हमने FIR अपराध क्रमांक 0/24 धारा 7 PC Act के तहत की थी तथा आज दिनांक को ट्रैप की कार्रवाई संपन्न की, जिसमें सुबह 5:30 बजे हमने GDA ऑफिस के सामने सफाई दरोगा अनूप पारछे को 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें अब इसके पूरी कार्रवाई दिखा पड़ी कि कार्रवाई चल रही है।